अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता बनाने के बाद अब मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ सबके लिए। मूसा अभी सोया हुआ है, मूसा उठेगा तो फिर उसके लिए नाश्ता बनेगा। आप भी नाश्ते में ज़रूर अग लिया करें, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किचन समेटने के बाद जब मैं रूम में आई तो रूम में इतना मैस क्रिएट हुआ हुआ था, सारे बैग्स बिखरे हुए पड़े थे। मैंने अपने सबसे पहले अपने सारे बैग सेट किए, क्योंकि कपड़े तो बाद में भी सेट हो सकते थे, ताकि जब भी कहीं अचानक जाना पड़े तो बैग्स मिल जाएं। ऐसे बैग्स मिलते ही नहीं हैं। मैं आपको अपनी बैग्स कलेक्शन दिखाऊंगी। अभी आधे बैग्स मेरे ऊपर भी पड़े हुए हैं दूसरी कवर में। मूसा के कपड़े चेंज करके मैंने उसको बाहर बिठा दिया, टीवी देख रहा है वो। और उतनी देर में मैं ईसा के कपड़े चेंज करने लगी हूँ। ईसा के कपड़े चेंज करो तो ये बहुत खुश होता है। मूसा तो कपड़े चेंज करवाते हुए बहुत तंग करता है। उसको मैं फिर एक चॉकलेट देती हूँ लाजमी साथ, फिर कपड़े उसके चेंज होते हैं। ऐसे तो वो कपड़े चेंज करवाता ही नहीं है। ईसा तो बहुत खुशी खुशी कपड़े चेंज करवा रहा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो तब ये भी तंग किया करेगा। ईसा के बाल भी अभी मैंने कट करवाने हैं, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ तो इसके एक ही दफ़ा बाल कट हुए हैं, उसके बाद नहीं हुए। अब इसके बाबा फ्री होंगे तो उनको बोलेंगे कि इसकी कट करवानी है। जब से मैं मामा के घर से आई हूँ हमारा रूम काफ़ी मैसी हुआ हुआ है, हर तरफ कपड़े बिखरे पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। उधर भी हम लोग काफ़ी दिन रहे हैं और सारे कपड़े लेके गए हुए थे। अभी मैं सेटिंग कर रही हूँ सारी। कपड़े जब पहनने का टाइम होता तब एक भी नहीं मिलता पहनने के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे पूरा घर कपड़ों से भरा रहता है, पूरी कबर्ड। ईसा भी अब काफ़ी तेज़ होता जा रहा है, कहते हैं मुझे उठा के बैठे रहो बस। ये देखें जी, ईसा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। मैं ईसा को बाहर लेके आई हूँ कि ये थोड़ी देर प्ले करे, टीवी देखे और मैं कोई काम कर लूँ। आज मैं मकई की रोटी बना रही हूँ। मुझे मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझसे इतनी खास बनती नहीं है। चलो आज मैं ट्राई करती हूँ कैसी बनती है, देखते हैं। सबसे पहले मैंने आटा गूंदा, नमक डाल के आपने आटे को गूंदना है अच्छी तरह इसका। इसको बनाने की कोशिश की है, इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बिल्कुल फ्लोई रखी है, बिल्कुल स्मूथ सी। और इसको पैनकेक्स की तरह ऊपर डाला है, इस तरह ये सही बन गया है। दूसरी तरह रोटी भी टूट जाती है। मेरा जो तजर्बा कामयाब हो चुका है और ये मेरी रोटी भी अच्छी बन गई है। अभी मैं आधी खा चुकी हूँ तो वीडियो बनाई है, मुझे याद ही नहीं रही वीडियो बनाने की। इट वॉज गुड। अभी मैं खाना खा ही रही थी कि बेल बजी। भाई जाके देखा तो मेरा पार्सल आया हुआ था। मैंने एक ट्राईपॉड मंगवाया था मोबाइल सेट करके रखने के लिए। आगे भी मैंने एक मंगवाया था ट्राईपॉड, लेकिन वो टूटा हुआ निकला। और उससे पहले मैंने रिंग लाइट मंगवाई थी, वो अच्छी निकली, लेकिन उसके कुछ पीसीस ही गुम हो चुके हैं। ये ट्राईपॉड मैंने 200 रुपीज़ का बाय किया था दराज से, ये शुक्र है अच्छा निकल आया। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और रीज़नेबल भी है। अभी मूसा प्ले कर रहा है साइकिल के साथ। ये साइकिल हमने इसके लिए न्यू बाइक की है, इसके बाइक के अकीका पे मूसा के लिए भी गिफ्ट लिया है। ईसा के अकीका का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने उसको एडिट नहीं किया, लेकिन मैं बहुत जल्द शेयर करूंगी, आप देखिएगा। अभी मूसा अपनी शरारतों में मसरूफ़ है और ईसा भी बैठा हुआ है टीवी देख रहा है। अब ईसा को भी थोड़े से कार्टून्स देखने का शौक़ हो गया है। शाम का वक्त हो चुका है और ईसा को मैंने कॉट में डाल के कार्टून्स की तरफ लगाया है कि मैं अपनी देर में कुछ खाना वगैरह बना लूं।
आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स सब्ज़ी और चिकन का सालन। हमारे घर में ये चिकन और मिक्स सब्ज़ी का सालन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सब बड़ी खुशी से खा लेते हैं। इसके लिए आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले प्याज को ब्राउन करना है, उसके अंदर फिर चिकन डाल के बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको भूनना है काफ़ी देर। फिर उसके बाद टमाटर डालने हैं, टमाटर डाल के फिर नमक मिर्च चिकन क्यूब डाल के मसाले को अच्छी तरह भूनना है आपने। भूनने के बाद फिर बीच में आपने सब्जियां डाल देनी है। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी, हमें यही ज़्यादा सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, यही दोनों सब्ज़ियाँ हम बड़ी शौक से खा लेते हैं। गाजरें कोई इतनी पसंद ही नहीं करता तो गाजरें नहीं डाली मैंने, और मटर डालने का टाइम ही नहीं था क्योंकि उसको छीलना पड़ता और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अब मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद आपने आधा कप पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन लगा के देखिए ये ऊपर, और थोड़ी देर उसको होने देना है, पकने देना है। देखें जी हमारा यम्मी सा सालन रेडी हो चुका है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। साथ मैंने इसके चटनी भी बना ली है जल्दी जल्दी। अभी हम खाना खाने लगे हैं। खाने के बाद मैं रात के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ। रात दूध बॉईल करने के बाद मैंने फिर मूसा के लिए पॉपकॉर्न्स बनाए क्योंकि इसको पॉपकॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये किसी भी टाइम पॉपकॉर्न्स की फरमाइश कर देता है। क्योंकि इसने खाना नहीं खाया था इसलिए मैंने फिर पॉपकॉर्न्स बनाए हमारे। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।